आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं आपको पूरा बताने आया हूँ कि हमारा कल से कौन से लेक्चर्स किस तरीके से आना स्टार्ट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वो केमिकल बॉन्डिंग होगा। देखिए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिकली ये है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स को हम पहले अच्छे से खत्म कर देते हैं, जो मैंने टॉपिक्स अपने बोले थे एकदम बड़े तरीके से, ताकि आपका एकदम बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। तो केमिकल बॉन्डिंग को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से लेक्चर्स आएंगे हमारे पास, उसके बारे में आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि असली में जो हमें केमिस्ट्री का पता चलता है वो इस टॉपिक को सीखने के बाद ही पता चल रहा होता है एकदम अच्छे तरीके से, कि ये केमिस्ट्री में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप अच्छे से सीख के एकदम हायर कॉन्सेप्ट्स को सीख पा रहे होंगे। फिर जो अगला हमारे पास बात है कि हमारे पास ही जान ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कि जब आप 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेसिकली यही चीजें होती हैं, यही वो टॉपिक होता है जो आपको एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक लेके जा रहा होता है, जहां पे आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो देखिए, इसके टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट्स मतलब कि 4 तरह की बॉन्डिंग्स हो रही होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम 4 तरह की यहां पर बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे। जो सबसे पहले हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपकी कोवेलेंट केमिस्ट्री उठाऊंगा, क्योंकि आपके IITM के सिलेबस में ये जो टॉपिक्स आपको देख रहे हैं, BVT, ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन, BSEPR, MOT, बैंड सूल और ड्रैगन सूल, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से क्वेश्चंस फिक्स्ड रहता है ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि जैम में जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं वो कोवेलेंट केमिस्ट्री के ही रहे होते हैं। और कोवेलेंट केमिस्ट्री का मतलब कि हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक केमिस्ट्री होती है, वो भी इसी से रिलेटेड रही होती है, बहुत हद तक इसी से जुड़ी होती है। तो जितना अच्छा खासा आपका कोवेलेंट केमिस्ट्री रहा होगा, उतनी ही अच्छी आपकी पी ब्लॉक केमिस्ट्री भी रही होगी, जो कि आपके एक बेसिक फाउंडेशन का तैयार कर देते एकदम बढ़िया तरीके से। फिर जैसे ही हमारे पास ये टॉपिक खत्म होंगे, अच्छा खासा टाइम लगेगा, कम से कम ऑलमोस्ट हमारे पास 2 वीक्स लगेंगे इन टॉपिक्स में, क्योंकि कोवेलेंट केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 60-70% हमारी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट ले रहा होता है। उसके बाद हम आयनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो आयनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हमें फोकस करना है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट के वेरिएशन वगैरह, फजान्स रूल और इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें फजान्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद हम क्या जाएंगे, हमारे पास अगले जो बॉन्डिंग्स रहेंगे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की होती है, एक होती है वंडरवाल फोर्सेस, एक होती है नॉन वंडरवाल फोर्सेस। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड लास्ट में मेटेलिक बॉन्डिंग का आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूंगा। और फिर मैं इसी के साथ कुछ मिसलिनियस बॉन्डिंग, जैसे कि नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, ऐसी कुछ बॉन्डिंग के बारे में आपको एकदम अच्छे से आइडिया दे रहा हूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स मिला के आपकी केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो होगा क्या, जैसे ही ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट जाएंगे वैसे ही आपको एक अच्छा सा असाइनमेंट दिया जाएगा, और उस असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। और वैसे ही आपका इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट होते ही आपका एक इंडिविजुअल चैप्टर टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का। तो इस तरीके से हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होगी। और केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा वो पीरियोडिसिटी आ जाएगा सीधा। पीरियोडिसिटी ऑलमोस्ट 2-3 डेज का लेक्चर है रहा होगा। तो ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट होगा, जून का टारगेट होगा, उसमें हमारे इनऑर्गेनिक के मेन टॉपिक्स, जो कि सबसे पहले हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है, फिर हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, एंड लास्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो टॉपिक्स मैं उठा रहा हूं। तो ऑलमोस्ट आपका इनऑर्गेनिक का एक मेजर पोर्शन कवर हो रहा होगा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर, इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, और फिर मैं आपको सीधे कोवेलेंट केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा होऊंगा। तो इसी के साथ आप एकदम अच्छे से एंजॉय करिएगा, एक अलग से कॉपी एकदम सिस्टमेटिक वे में, और आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना अच्छे से मटेरियल दे दूंगा, इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, इतने अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा कि अभी तो आपको कम से कम कोई बुक की जरूरत नहीं है। बाद में जब जरूरत होगी, जो कुछ होगी, तब मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से आइडिया दे दूंगा किस तरीके से क्या होगा। तो ये तो अभी मेरा पोर्शन है। अब तेज सर क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से, उसको मैं आपको कल शाम के टाइम अलग से बता दूंगा कि वो सर किस तरीके से अपना काम कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।